इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। कुरान के 26 आयत पढ़ने की बात करें, वसीम रिजवी अब्दुल्ला सालिम का तुम्हें चैलेंज है, कयामत तो आसानी से आ सकती है लेकिन तुम हमारे कुरान से 19 आयत तो दूर की बात, तुम कुरान से 19 नुक्ते भी हटा नहीं सकते। क्यों? याद करो, बताओ अपने गुरुओं को, बताओ अपने नेताओं को, नकीरस पर विनंती वर्तानी वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह के फैसले में, अल्लाह के कानून में तुम कोई तब्दीली नहीं देखोगे। और स्ट्रॉन्ग तौर पर कहा वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह के कुरान में कभी तब्दीली नहीं हो सकती। तुम जिन हाथों से तुम 26 आयतों को निकालने की बात करते हो, पता है ये कुरान कौन है? इसको मिटाने अंग्रेज आए थे, अंग्रेज खुद मिट गए। इसी कुरान का चैलेंज किया था बड़े बड़े सूरमाओं ने, इसी कुरान के फैसले का मंशे का चैलेंज किया था। कौन? नमरूद ने, जमीन में धसा दिया गया। फिरौन ने रब की वैदानियत के सामने खड़ा हुआ, जमीन आसमान के बीच लटका दिया गया। किनको? फिरौन को, दुनिया के अंदर रब का दावा करने वाला। इसीलिए वसीम रिजवी, मिनिस्ट्री की कुर्सी अगर तुम्हें मिली हुई है तो यह कुर्सी तुम्हारी, तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तुम अल्लाह की से मुकाबला मत करो, अल्लाह तबारक व ताला के कलाम से तुम बगावत मत करो। ये हमारा कुरान नहीं, ये किसी मुसलमान का कुरान नहीं, ये अल्लाह का कलाम। ये भारत का संविधान नहीं है, किसी डबल ए ले आओ मुसलमानों का नाम निकाल दो, एनआरसी लागू कर दो धर्म के नाम पर, किसान के लिए कानून ले आओ उनके खिलाफ में, ये तुम्हारा कानून है, तुम जो चाहते हो लिख देते हो, लेकिन कुरान में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कुरान तुम्हारे अब्बा की दादा की किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ही इसको कुछ कर सकता है। लेकिन कयामत तक अल्लाह ने भी कह दिया अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नियामती, अल्लाह के ज़ाब्ते के हिसाब से इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसीलिए तुम कानून बदल सकते हो, कानून तुम्हारे हाथ की लिखी हुई, कुरान नहीं बदल सकते, कुरान अल्लाह के हाथ की लिखी हुई चीज। मेरे भाई, हम बात कर रहे थे कहां पे, भारत के तैमूर लंग आया, तैमूर लंग के बाद इस देश में एक खानदान आया लोधी, लोधी के बाद आए कौन? बाबर। 1526 में बाबर आया और 1526 से लेकर 1857 तक बाबर की खानदान की हुकूमत चली। ये जितने भी जहांगीर और जलालुद्दीन अकबर सलीम, जिनका नाम के ऊपर एक पिक्चर फिल्म भी बनी हुई, मुगल आजम, मुगल वही बाबर के खानदान को मुगल बोलते हैं। और भारत के इन राजनेताओं को सबसे ज्यादा दुश्मनी एलर्जी इन्हीं मुगल खानदान से है। तो ये 300 सवा 300 साल मुगल खानदान की हुकूमत, लेकिन पूरा मिलाए कब से, 1191 से लेकर 1857 तक मुस्लिम इंपेरर जितने भी थे, किसी भी मुसलमान बादशाह ने भारत की धरती पर किसी भी गांव में कहीं पर भी किसी को ये नहीं कहा कि तुम कलिमा पढ़ो। होता है ना, बादशाह होता है तो वो अपने हिसाब से कानून नाफिज करता। बाबर कह सकता था, तैमूर कह सकता था कि कलिमा पढ़ो नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, लेकिन नहीं कहा। जलालुद्दीन ने भी नहीं कहा, बलबन ने भी नहीं कहा, लूदी ने भी नहीं कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, बल्कि सबको अपनी अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना था, कुर्सी को मजबूत करना था। एक बादशाह इन 700 सवा 700 साल में सिर्फ एक बादशाह ऐसा गुजरा कि जिसने तबलीग की, तबलीग मतलब टू कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम, कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम
टू द नॉन मुस्लिम पीपल, जो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं जानते, उसके हकीकत को नहीं जानते, अल्लाह की वैदानियत के अंदर वो गड़बड़ी करते हैं। तो ये एक बादशाह गुजरा जिसने उलामा के जरिए ये कहा कि नदवी साहब मदरसे में ना बैठें, मदरसे में बच्चों का सबक सुन लिया जी, तो अब उठाइए अपना बोरिया बिस्तर, अब उठाओ अपना छाता, उठाइए बाइक में बैठिए, जाइए करीब के गांव में, वहां पर नॉन मुस्लिम है, उनको जाकर समझाइए कि अल्लाह एक है, मरने के बाद तुम्हें जन्नत, मरने के बाद तुम्हें जन्नत और जहन्नम का सामना करना पड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, मोहम्मद तुम्हारे आखिरी नबी हैं, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, ये पैगाम लोगों को पहुंचाओ। सिर्फ एक बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद तुगलक ने भी किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं की। ये जितने भी थे मुसलमान एम्पायर, हम तारीख को बहुत गौर से पढ़कर आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं पूरे जोश और पूरे ताकत के साथ कि भारत के नौजवानों, आपको खड़ा होना होगा। सिर्फ मोबाइल में फेसबुक चलाने से या मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से हम बातिल का मुकाबला नहीं कर सकते। बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा है, पता है उस इलेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल हो रहा है। एक नेता ने कहा कि हमारा एक ग्रुप में 18 लाख आदमी, हम कोई भी मैसेज डालते हैं तो 18 लाख आदमी तक पहुंचता। उनका एक मकसद है मेरे नौजवानों, क्या मकसद है कि उनको बंगाल में हुकूमत कायम करनी, इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं। आप क्या करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, कोई मकसद है, कोई टारगेट है आपके सामने? कोई टारगेट नहीं, कोई मकसद नहीं, एक मकसद बनाओ अपनी जिंदगी का, एक टारगेट फिक्स करो अपनी जिंदगी का। रात हम प्रोग्राम में बोरियो साहिबगंज में थे, यहां से तो बजाहिर बहुत करीब है, लेकिन जब आप घूम करके जाते हैं भागलपुर होकर के तो बड़ा लंबा पड़ता। ये तो हजरत मौलाना नदवी साहब की इसरार और जेद कि कहां तक पहुंचे शायद, कहां तक पहुंचे शायद। मैं खुद से दौड़ा दौड़ा आपके यहां पहुंचा हूं, क्योंकि इनसे हमने वादा किया। वहां के नौजवानों को हमने एक पैगाम, एक बात ये कही, हमने कहा कि नौजवानों आप अपना टारगेट फिक्स करो, टारगेट कि हमारा ये टारगेट। देखते हैं जब फुटबॉल खेलते तो दोनों तरफ गोली होती, गोली का वो गोल करने का, और पूरे 11 दुनी 22 खिलाड़ी एकदम दौड़ते हैं पागल कुत्ते की तरह एक गेंद के पीछे। क्यों? उनका टारगेट होता है कि हम किसी तरीके से गोल कर दें, पॉइंट ले लें। किसी की पैर टूट जाती, कोई मुंह के बल गिरता, कोई परेशान होता है, किस लिए? कि मैं गोल कर दूं, हमारे पॉइंट्स बढ़ जाएं। क्या हम मुसलमानों नौजवानों हम अपनी जिंदगी का टारगेट फिक्स नहीं कर सकते? टारगेट फिक्स करो। क्या टारगेट? मैं बताता हूं, अगर आपको दिलचस्पी है कि आपको राजनीति में आना है तो सियासत गलत तरीके, सही तरीके पर गलत नहीं, आप सियासत के मैदान में भी आओ, टारगेट फिक्स करो, मेहनत करो। उसके बाद अगर आप तिजारत में आना चाहते तो तिजारत के अंदर भी आप आओ, मेहनत करो। आदमी ठेला बेच बेच कर अंबानी बन गया, अनिल अंबानी का दादा कोल्ड ड्रिंक बेचते थे मुंबई के इलाके, गांव के अंदर, मुंबई शहर के अंदर कोल्ड ड्रिंक बनाकर बेचते थे। तब जाकर आज की तारीख में मेहनत की तो ईश्वर ने उनको फरामानी की, आज वो अंबानी बन गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी मेहनती नहीं होता है, बाप के दौलत है, बाप की तरफ से प्रॉपर्टी है, दी हुई है, शराब पीता है, उड़ाता है, अय्याशी करता है, तो ऐसा होता है कि उसके पास छत भी नहीं होती। तिजारत करें आप, जरूरी नहीं कि 1 लाख रुपए से करें, 15-20 हजार रुपए से शुरुआत कीजिए। शुरू करेंगे, टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको 1 साल में बिजनेस इतना डेवलप करना। अगर आप एजुकेशन लाइन में
तो बहुत अच्छा, इसलिए कि द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। अगर आपके गांव में इलिटरेसी है, जिहालत है, और है जिहालत, क्यों हम आ रहे थे रास्ते में इस गांव, आपके गांव से बाहर, हमने एक जवान लड़के से पूछा कि भाई मुझे जहां जलसा हो रहा वहां पे जाना। वो बोला कि जलसा हाँ हो तो रहा है, यूं जाइए यूं जाइए। उनसे पूछा रास्ता तो ऐसा बता दिया कि हम यहां से करीब आकर फिर वापस चले। हमने कहा कि पता नहीं कहां है जलसा का। हजरत मौलाना ने जो लोकेशन भेजा वो लोकेशन कभी कहीं और दिखा रहा, कभी कहीं और दिखा रहा, यानी उस नौजवान में ये सलीका नहीं था कि एग्जैक्ट वो कहना कि हमको जलसे का पता नहीं है, हमको मालूम नहीं है जलसा का करीब का। अरे जलसा जहां होता है तो आस पास के 10-5 बस्ती वाले को मालूम होता है कि फला जगह पे जलसा हो रहा, लेकिन सलीका तरीका तरतीब नहीं। बात करेंगे तो एकदम ऐसे हमारे हमारे मुसलमान जो बिल्कुल अखलाक से बिल्कुल आरी हो, आप अंग्रेज से जाकर हाथ मिलाइए, अंग्रेज के सामने आप बात कीजिए, आपको हंसकर बात करेगा, आपको पूछेगा कहां से आए, क्या हाल चाल है। वो तरीका हम में नहीं, आप किसी अंग्रेज से जाकर हाथ मिलाइए, हाउ आर यू माय ब्रदर, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, हंस के कहेगा आई एम क्वाइट फाइन बाय वर्चुअस ऑफ अल्लाह बिलिंग, आई एम क्वाइट फाइन, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम अ इंडियन पर्सन, आई एम अ मुस्लिम, और यू आर अ मुस्लिम। हाँ, हंस के बात करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका 10 साल का पुराना दोस्त हो। और हम मुसलमान ऐसे अगर आपस में बात करें बैठे तो पता चलेगा कि पता नहीं कोई डंडा मार रहा है। बात करने का सलीका हमारे मुसलमानों में नहीं। चले जाएं आप गैर मुस्लिमों में, किसी दुकान में जाएं, कपड़ा लेना हो आपको, आराम से पहले बिठाएगा, बैठिए सर क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट सर, क्या चाहिए सर, कपड़े चाहिए, ठीक है सर, कैसे क्वालिटी का चाहिए, सर सर सर। और किसी मुसलमान की दुकान में बैठ जाओ, अबे लेना हो लेने दे जाओ उठ करके, बहुत परेशान कर दे, दिमाग खराब कर दिया, कपड़ा लेना नहीं आता। आप किसी गैर मुस्लिम के दुकान में जाए 15-20 मरतबा आप उसको परेशान कीजिए, वो आखिर में तब कहेगा कि सर आपके पसंद का कपड़ा मेरी दुकान में तो नहीं। ये तरीका किनका तरीका था? ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। गैरों ने अपनाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, गैर नबी का तरीका अपनाएगा तो दुनिया में जरूर कामयाब होगा, जरूर कामयाब होगा, हो रहे कामयाब। और हम हैं मोहम्मद वाले, कुरान वाले, हदीस वाले, शरीयत वाले, हम सिर्फ नामी मुसलमान। नामी मुसलमान बनोगे, कामी मुसलमान नहीं बनोगे, तो इतना डंडा लगेगा, इतना डंडा पीछे कि बंदर के तरह अल्लाह लाल कर देगा। मरने के बाद जवानों अल्लाह पूछेगा कि नमाज पढ़ी थी, गांव समाज में कौन सा अच्छा काम किया था।